हेलो दोस्तों, 30 मई और 31 मई को एग्ज़ाम होने वाला है UP SSC का। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो पूछ सकता है उसका वीडियो लेकर आए हैं। एक ही दृष्टि में उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक, पॉइंट टू रिमेंबर, जो याद करने लायक है, क्या क्या क्वेश्चन याद करने लायक है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है उसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, लगभग 7.33% है। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये पता है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये है सीमावर्ती प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। उत्तराखंड से लगा हुआ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित दिल्ली, कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 9 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है अपना उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो कौन सा जिला जो सबसे अधिक राज्य को टच करता है, सोनभद्र 4 राज्य टच करता है। और हमारा उत्तर प्रदेश कौन से देश से टच होता है, नेपाल से। प्रमुख नदियां यहाँ की है गंगा, यमुना, राम गंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा। देश में प्रथम स्थान, मतलब देश में उत्तर प्रदेश किस में प्रथम है, उसके देखिए पूरा दिया गया है। गेहूँ उत्पादन में प्रथम है, कुल खदानन उत्पादन में, दुग्ध में, कुल पशुधन, मतलब पशुधन कुल है, गन्ना उत्पादन, आलू, रेल मार्ग यहाँ ज़्यादा है, बैंक की शाखाएँ ज़्यादा हैं, पोस्ट ऑफिस ज़्यादा है यहाँ। मौसम देखिए, यहाँ 3 पड़ता है, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। ग्रीष्म कब, मार्च से जून तक, उसके बाद वर्षा हो जाती है, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है, शीत अक्टूबर से फरवरी तक पड़ता है। उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी बरसता है, वर्षा होती है, गोरखपुर में। देखिए, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उससे भी क्वेश्चन पूछता है, जो सकल जनसंख्या है भारत की उसका 16.51% यूपी में रहते हैं। जो महिलाएं हैं 95,331,831 है पूरा। स्त्री और पुरुष का अनुपात पूछता है उत्तर प्रदेश में, जो कुल 912 है 1,000 में। उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की महिलाओं की संख्या क्या है, महिला 912 है, पुरुष 1,000 में है। जनसंख्या घनत्व भी पूछता है उत्तर प्रदेश का, 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क करा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, ठीक, और राजकीय चिन्ह जो होता है वो मछली है, और राजकीय पुष्प जो है पलाश का है, और राजकीय वृक्ष अशोक का है, ठीक। इसी तरह देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ का जो पशु है 12 सिंगा है, पक्षी सारस या क्रोंच कहलाता है। इस समय जो लेटेस्ट है 2019, आज की तारीख है, आज 27 मई 2019 में राम नाईक यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक। जनसंख्या में 10 की वृद्धि, मतलब 10 साल में 20% वृद्धि उत्तर प्रदेश होती है। जो शहरी जनसंख्या है कुल 22% है और ग्रामीण 77% 22.27 है, पूरा आंकड़ा दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे जो निवासी जनसंख्या 29% है, 29.43% 2011-12 में है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2010-14 में गणना हुई थी, पुरुष 62.9% है, और कहते हैं महिला का है 65% है जीवन। धर्म के अनुसार 2011 में जनगणना होती है, हिंदू धर्म में 79.73% है, मुस्लिम 19.26% पूछते हैं, सिख 0.32 है, बौद्ध 10%, ईसाई 18%, जैन 11%, अन्य धर्म 1%, और 0.29% जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। कुल जनसंख्या देखिए दी गई है, ये 25 अगस्त 2015 को रजिस्ट्रार जनरल और सेंसिस कमीशन सरकार द्वारा आंकड़े के अनुसार बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ गया है, कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी थी यूपी की, 67.7% है, जिसमें पुरुष 77.3% है और स्त्री 57.2% है। नागरीय 2011 में 75% थे, और पुरुष में 80.4% थे, स्त्री
69.2% साक्षर थे, ग्रामीण में 65% ग्रामीण पढ़े लिखे थे, कुछ साक्षरता दर है ठीक। पुरुष में 76.3% है, स्त्री 53.7% है। ये पूछता है इसमें, बाकी सब पूछता है, मंडलों की संख्या कितनी है 18 पूछ लेता है ना, जिलों की संख्या 75 पूछ लेता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखिए सब है, ग्राम पंचायत एक एग्ज़ाम में पूछा था 59019 2017 में है ठीक। तहसील पूछा था 350 है, विकासखंड 821 है। नगर पंचायत देखिए सब दिया गया, ये नगर निगम 17 है। इन्हें सब क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपके स्क्रीनशॉट ले गए को पढ़ सकते हैं आप। देखिए सहकारिता, चिकित्सा स्वास्थ्य में एलोपैथ चिकित्सा 2017 तक का आंकड़ा है 5117 है। होम्योपैथिक 1575 है। आयुर्वेदिक यूनानी 2370 है। पूरा यूपी के बारे में दिया गया है, यूपी के प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है 139 किलोवाट घंटा है ना। एकमात्र परमाणु केंद्र ये पूछ सकते हैं, नरोरा बुलंदशहर में 1989 में बना था। हर दुआगंज ताप विद्युत ग्रह अलीगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है ठीक। दो क्वेश्चन में है, हर दुआगंज ताप विद्युत ग्रह और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र। हर दुआगंज ताप विद्युत अलीगढ़ 1942 में था, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा बुलंदशहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सड़क की लंबाई कुछ पूछता है, यूपी में 681,000 किलोमीटर है ठीक। डाकघर, दूरदर्शन केंद्र तीन, ऐसा नहीं पूछता है लेकिन एक बार देख लीजिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश होकर गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग 19 है, NH 19। पहले पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, अब 19 उसके नाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई ये पूछता है 165,537 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी इलाहाबाद से कानपुर 1859 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। प्रथम हवाई हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से लेनी, ये भी पूछता है, 1911 में हुआ था प्रथम हवाई डाक सेवा। सबसे पहले कहाँ हुआ था, इलाहाबाद से लेनी यूपी में हुआ था। डीम विश्वविद्यालय 8 है इस समय, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा था, क्वेश्चन 6 है इस समय ठीक। केंद्र राज्य विश्वविद्यालय 31 है, केंद्रीय 6 है, उसके नाम दिया गया। अलीगढ़ है, बनारस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ हुआ, इलाहाबाद का 1 है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रायबरेली का, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है। बाकी पॉलिटेक्निक है, राजकीय है, निजी दोनों है, सबने पूछता है लेकिन देख लीजिए। हाँ ये पूछा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य 80 है, उत्तर राज्यसभा के सदस्य 31 है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है 404 है ना। एक एंग्लो इंडियन है, 403 पे इलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद 100 है ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है, बाकी चकबंदी योजना, सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर ये पूछ सकता है, सबसे बड़ी नहर ये पूछता है शारदा नहर है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है ठीक। ये सब दिया गया। गोकुल पुरस्कार, दुग्ध गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन में, कृषि निर्यात जो आलू आगरा में होता है, आम लखनऊ में, सहारनपुर में भी आम होता है ना। शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या है, सिंचित क्षेत्र 44 लाख हेक्टेयर है, ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसको देख लीजिएगा। सिंचाई के साधन के हिसाब से पूरा जनगणना दी गई, नलकूप, नहर, कुआं, अन्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यह ISFR के अनुसार कुल अभिलिखित वन कितना है, 16582 वर्ग किलोमीटर है ना, और प्रतिशत पूछा था 6.88, यूपी में 1% कुल 6.88% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण प्रतिशत कितना है, 9.18 है, 9.18 है। भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, अति सघन का अलग दिया गया, खुले वन अलग है, सब दिया गया है। पक्षी विहार 7 है, राष्ट्रीय उद्यान 1 ही है इसमें। सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत सोनभद्र में, ये पूछ सकता है। और दो जिले कौन कौन से, संत रविदास नगर है, दो है सोनभद्र, संत रविदास। ग्रीन ऑपरेशन योजना 1 जुलाई 2001 में हुआ था। सबसे पुराना वन जीव विहार कहाँ है, चंद्रभा
चंद प्रभा वन्य जीव चंदौली में आए। सबसे बड़ा वन जीव विहार हस्तिनापुर वन जीव विहार मेरठ में है। सबसे छोटा वन जीव विहार पटना वन जीव विहार एटा में है। पहला 1984 में सबसे छोटा पक्षी विहार सही चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। पहला वन ग्राम बेलहती ग्राम सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम देखिए सब ये प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में हुई थी। डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम, भारत में सबसे डायस्पोर कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, प्रथम स्थान है। यूरेनियम ललितपुर में होता है, हीरा बांदा में पाए जाते हैं। ठीक, ये यूपी के कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो यूपी ट्रिपल एस सी के मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट ने पूछ सकता है एग्ज़ाम में, उसका वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो लिए आएगा, यूपी का भी आएगा, ये स्पेशल सिर्फ यूपी का क्वेश्चन है। वीडियो आपको हमारे चैनल लाइफ आई स्टडी में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।